चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जहां सारी राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकती नजर आईं, वहीं कांग्रेस पार्टी भी अपनी पूरी ताकत झोंकती जनाधार बढ़ाती नजर आ रही है। उसी कड़ी में आज प्रदेश महासचिव और जनपद कन्नौज फर्रुखाबाद प्रभारी शरद मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस की नीतियों पर प्रकाश डाला। तारीख को इस क्षेत्र में वोट पड़ना है और आज प्रचार का अंतिम दिन है शाम 5 बजे तक, तो आप सबके माध्यम से अपनी पार्टी की बात रखने का मुझे सौभाग्य मिला है। विनीता देवी कन्नौज से प्रत्याशी हैं कांग्रेस की, और कांग्रेस पार्टी अपनी जो प्रतिज्ञाएं हैं उनके आधार पर क्षेत्र में जा रही है, जिसमें मुख्य आकर्षण किसानों का कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ, कोरोना काल में जिनको तकलीफ हुई उनको 25,000 का अनुदान, और बालिकाओं के लिए बेटियों के लिए स्कूटी और स्मार्टफोन की स्कीम, 3 सिलेंडर मुफ्त प्रतिवर्ष हर गृहिणी के लिए, ये सब योजनाएं कांग्रेस की तमाम और भी योजनाएं हैं लेकर के हम गांव-गांव गए। हमको जनता ने बहुत उत्साह के साथ में रिसीव किया, हम सब लोगों का बहुत उत्साह में सारा कार्यकर्ता है, छिबरा मऊ कन्नौज फर्रुखाबाद जितना हमारा प्रभार क्षेत्र है, मैं पूरे क्षेत्र में गया। कल फर्रुखाबाद की 4 विधानसभाओं में हमने दौरा किया, पूरा कार्यकर्ता उत्साह में है और जनता पूरा रिस्पांस दे रही है, तो हमें लगता है कांग्रेस इस क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है और एक अप्रत्याशित परिणाम कांग्रेस की तरफ से इस क्षेत्र में आप सबको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से कांग्रेस पिछले कई वर्षों से देखिए सबसे बड़ी चुनौती तो यही रही कि लोकतंत्र है, हमारे तमाम समर्थक क्योंकि कैंडिडेट ना होने की वजह से गठबंधन धर्म को निभाने की वजह से दूसरे दलों की तरफ शिफ्ट हो गए थे, तो सबसे बड़ी चुनौती यही रही। लेकिन चुनौती इसको ना कहें, कार्यकर्ता निराश हो गया था कि प्रत्याशी नहीं आया आप क्या करें, तो घरों में बहुत सारे लोग बैठ गए, कुछ लोग दूसरे दलों का समर्थन करने लगे, तो उनको जब लगा कि कांग्रेस पार्टी पुनः मैदान में है तो बड़े उत्साह के साथ सारे लोग वापस आ गए हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत दमखम के साथ प्रचार कर रहे हैं। क्या बात है, काम दखल करते हैं, जमीन प्रत्याशी भी उतारते हैं, इस वजह से अगर हमारा प्रत्याशी कहीं प्रचंड होता तो हम दूसरा लड़ा देंगे, तो क्या वजह रही कि कोई रणनीति नहीं दिखाई पड़ी? नहीं, रणनीतिक मामला इसमें पार्टी का नहीं है, ये उनकी व्यक्तिगत कमी रही। हमारी पार्टी की तरफ से हम लोगों ने कंट्रोल रूम खोल रखा था, वहाँ एडवोकेट्स बैठे हुए थे, उन्होंने पूरे प्रदेश के लोगों के पर्चे चेक किए। रणनीति अगर होती तो काफ़ी जगह ऐसा हो जाता, ये उनकी निजी कमी रही। इसका हम सबको बड़ा दुख है आज की तारीख में कि हमारा वहाँ प्रत्याशी नहीं है, और वो नीलम शाह के बहुत अच्छी प्रत्याशी थी, बहुत अच्छा चुनाव लड़ती वो वहाँ पर, इसको देखा गया, लेकिन वो एक ऐसी उनकी गलती रही कि जिसका कोई हम लोग प्रतिवाद प्रतिकार वो नहीं कर सकते हैं, ये कमी रही, इसको हम स्वीकार करते हैं। एक चीज और निकल के आया था, पूरे चुनाव में सत्ताधारी दल के तमाम स्टार प्रचारक डेली कोई ना कोई आके यहाँ पर चुनावी सभाएं कर रहा है, कैसे उनसे मुकाबला कर पाएगी कांग्रेस, क्योंकि अभी तक हमें नहीं लगता कोई बड़ा नेता है। देखिए, आप चाहे जून के जो स्टार प्रचारक आ रहे हों उनके भाषण का आप अंश देखिएगा, प्रधानमंत्री जी स्वयं हो या योगी जी हो, कोई भी हो, उनके भाषण का 25 से तलपरी है, वो जो भी बोलते हैं खुद ही हमारा प्रचार करके जाते हैं, इसलिए हमें उस स्टार प्रचारक, चूंकि हमारे कैंडिडेट सब पहली बार इस कन्नौज क्षेत्र में मैदान में आए हैं तो बहुत समय बाद, तो स्टार प्रचारक चूंकि हमारी नेता प्रियंका गांधी के चेहरे पर चुनाव हो रहा है, उनकी आधी वर्चुअल रैली है, रोज उनका कोई ना कोई संदेश आता है और पार्टी के सारे लोग लगे हुए हैं, तो अल्टीमेटली कुल मिला करके सारे लोग राहुल गांधी प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी जवाहरलाल नेहरू, इसी पे बीजेपी चुनाव लड़ रही है, तो हमारा प्रचार खुद ही कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए। जैसे एक चीज और, जो पोस्टर छपाया गया था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो उसमें जो पोस्टर गलत थी एक एक करके अब तक 3 जा चुकी हैं दूसरी पार्टियों में, तो अब देखिए इस पर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं, बालिकाएं हैं बच्चियां हैं, उनका क्या महत्वाकांक्षा रही, क्या उनको हुआ, वो एक गहन विषय है, किसी का निजी जो किसी की चॉइस है, किसी का अपना पर्सनल चॉइस है, उस पर हमको टिप्पणी नहीं करना चाहते, ये पार्टी की रणनीति का बड़ा मामला है, वो क्यों गई कैसे गई इस पर प्रदेश स्तर से कई बार जवाब दिया जा चुका है, यहाँ कन्नौज उस बारे में कोई जवाब देने का औचित्य मुझे नहीं लगता, मुझे कुछ देना है। एक लास्ट सवाल हो कि
विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किससे अपना मुकाबला मान रही, किस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी त्रिकोणी मुकाबले में जगह जगह पर है, कहीं हमारा मुकाबला समाजवादी पार्टी से, कहीं हमारा मुकाबला सीधा भारतीय जनता पार्टी से, और कांग्रेस पार्टी दोनों ही पार्टियों को बराबर अपना प्रतिद्वंदी मान के चल रही है और दोनों ही पार्टियों से मुकाबला कर रहे हैं, और कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनाने के लिए हम लोग प्रदेश में अग्रसर हैं। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा देखने को मिल रहा है जहाँ समाजवादी पार्टी के घराने के लोग प्रत्याशी, वहाँ पे कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतारा, कोई अंदरूनी समझौता? नहीं, वो एक अंदरूनी समझौता नहीं है, वो ऐसा एक राजनीतिक संदेश है जो बड़े रणनीतिकारों की तरफ से दिया गया है, उसके लिए मैं अधिकृत भी नहीं हूँ इस लेवल पर कोई टिप्पणी करने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो एक कोई रणनीतिक फैसला है, उसका कोई बहुत बड़ा सवाल जवाब का विषय ये नहीं है, एक रणनीतिक फैसला है जो कांग्रेस आला कमान की तरफ से लिया गया है, उस पर सक्षम लोग टिप्पणी करेंगे, मैं उसके लिए टिप्पणी करने के लिए सक्षम नहीं हूँ। कब लॉन्च किए गए और क्यों लॉन्च किए गए? ये प्रचार के लिए, चूंकि साथियों ने कहा कि आप फिल्म सेंसर बोर्ड में रहे हो तो आपकी तरफ से कुछ विशेष इस पर एक्शन होना चाहिए, तो हमने ये तीन गाने, हमारे मित्र पंची जालौन भी जालौन के रहने वाले हैं और अच्छे स्टार सिंगर हैं जिन्होंने गाने गाए हैं, अच्छे म्यूजिक राइटर हैं, बॉम्बे में ही गाने बने, तो प्रियंका जी की जो 8 प्रतिज्ञाएं प्रथम प्रतिज्ञाएं थी, एक गाना तो उसको पूरी तरह से डेडिकेटेड है, और प्रियंका जी के कार्य जो उन्होंने संघर्ष किया उसको समर्पित हैं गाने, और उसमें वचन निभाएंगे शब्द हमने यूज़ किया है, क्योंकि वचन निभाएंगे हमारा नारा है और कांग्रेस की प्रतिज्ञाएँ उस गाने पर है। दूसरा गाना जो है वो एक हमारा हिट नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, 40% जो महिलाओं का कोटा है, तो लड़कियों को सशक्त होते हुए उस गाने में दिखाया गया है, उस गाने का शीर्षक है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। और एक जो सबसे और बड़ा गाना है जो उसमें, वो है आज की ज्वलंत महंगाई की समस्या के ऊपर, किस तरह से महंगाई में किस किस तरीके से हम लोग जूझ रहे हैं और जनता पर सीधा हमला महंगाई का है, उसके ऊपर वो गाना है, और वो सीधा सरकार के जो महंगाई बढ़ी हुई है चुनाव में उसको हम उठा रहे हैं उस गाने के माध्यम से, और सरकार को सचेत कर रहे हैं कि महंगाई की वजह से सरकार वापस नहीं आने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि प्रचार के मामले में, गाना लॉन्च करने के मामले में भी कांग्रेस पीछे छूट गई है? नहीं, गाने मतदान हो चुके हैं, योजनाबद्ध तरीके से हो रहे हैं, चुनाव के पहले भी हुए, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, वीडियो भी लॉन्च हुआ, उसके बाद और भी गाने लॉन्च हुए, जगह व्हाट्सएप पे भी गाने आ रहे हैं, तो अभी दो ही चरण के चुनाव हुए हैं, 7 चरण चुनाव होना है, तो नयापन बना रहे, तो इससे बारी बारी से थोड़ी थोड़े दिनों में, चूंकि काफी समय तक आप एक ही चीज सुनते रहोगे तो आदमी थोड़ा सा लगता है अरे तो रोज ही सुन रहे हैं, तो बदल बदल के भी और भी गाने लॉन्च होंगे, और भी चुनाव का प्रचार और सामग्री और चीजें, नई नई चीजें लाते हैं, चूंकि 7 चरण में नयापन धार जो होती है, पैनापन जो प्रचार का बनाए रखने के लिए जरूरी होता है, ये रणनीति है, ये इसको धीरे 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 आगे बढ़ते हुए हम लोग इसको ले जाएंगे 7वें चरण तक, नया नया आपको सुनने को लगातार मिलेगा। कन्नौज से अमित मिश्रा की रिपोर्ट, आ नई भारत।